हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको थर्ड चैप्टर का लास्ट एक्सरसाइज है अपनी 3.3 वो समझाऊंगी। मुझे उम्मीद है पहले वाली एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब मैं एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ आपको। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें क्या करना है, सबसे छोटे नंबर पर क्या लगाना है, सर्कल लगाना है। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट नंबर क्या है, 7,35,521 कोमा 7,35,617 कोमा 7,53,509 709। ठीक है, अब आप देखेंगे इसमें। पहले तो हम सबसे पहले क्या, हमने पहले भी असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर किए हैं, उनमें क्या किया है हमने, हमने ये देखा है सबसे पहले कि जो नंबर है उनमें डिजिट काउंट करते हैं। जैसे ये नंबर है, इसमें 1 2 3 4 5 6 सिक्स डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 सिक्स डिजिट है। तो फर्स्ट फॉर्मूला रूल इसमें लागू नहीं होगा। उसके बाद आपका सेकंड है कि इसमें फर्स्ट डिजिट देखो 7 7 7, इसमें सेकंड डिजिट 3, इसमें 3, इसमें 5। तो ये तो बड़ा नंबर हो गया, इसे छोड़ो, इन दोनों के अब कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। इसमें थर्ड डिजिट 5, इसमें भी 5, इसमें फोर्थ डिजिट 5 और इसमें 6। तो 5 छोटा है तो है होता है, तो इसलिए ये जो नंबर है ये सबसे छोटा होगा। उसके बाद सेकंड नंबर है आपका, सेकंड नंबर में आप देखेंगे इसमें कि 3,4,6,8,4,6, उसके बाद 2,6,4,8,4,8,6 कोमा नेक्स्ट डिजिट नंबर क्या है, 1,6,4,4,8,6। अब आप फर्स्ट वही देखेंगे कि कितनी डिजिट है हर एक नंबर में, 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 सिक्स सिक्स डिजिट है, इसमें फर्स्ट डिजिट 3, इसमें 2, इसमें 1। फर्स्ट फॉर्मूला है, फर्स्ट डिजिट देखते ही आपके क्या हो गया, पता चल गया आपको सबसे छोटा नंबर यही है। इसी तरह आपको बाकी दो क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ आपको इसके खुद करने हैं। उसके बाद आपका है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे क्रॉस द लार्जेस्ट नंबर इन ईच ऑफ द फ्लोइंग। जो भी आपको नंबर दिए गए हैं, इसमें फोर क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें से आपको लार्जेस्ट नंबर पे क्रॉस का साइन लगाना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, 6,29,135,826 6,29,135,826, फिर उसके बाद है 6,59,829,135 कोमा 6,19,929,135। ठीक है, इसमें आप देखोगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें इस तरह से भी हो सकता है, इसका जो इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग इन नंबरों को दे रखा है उसके अकॉर्डिंग भी हो सकता है। देखे ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ठीक है, क्योंकि क्या बुक तो आपके पास होती है तो अलग से दिख जाता है। अब बुक नहीं है तो इसमें समझना थोड़ा इजी नहीं होगा। इसमें देखिए 3,3 नंबर के बाद क्या है, कोमा लगे हुए हैं बुक में, ठीक है। तो ये क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग आपको नंबर दिए गए हैं। तो इसमें देखिए 1 2 3 ग्रुप है, इसमें 1 2 3 ग्रुप है, इसमें भी 1 2 3 3 ग्रुप है, मतलब ये 629 मिलियन और ये 135,826 ये नंबर ये है। इसी तरह से एक नेक्स्ट नंबर है 659,829,135, 619,929,135। ठीक है, इस तरह से इस इन नंबरों को बोला जाता है। अब वही रूल यूज़ करेंगे अपन, क्योंकि सभी में 9 9 डिजिट है। तो फर्स्ट 6 6 6, सेकंड 2 5 1, 2
फाइव बड़ा नंबर होता है, ठीक है, तो इसलिए इस पे हमें क्या लगाना है, क्रॉस का साइन लगाना है, ठीक है, सर्कल नहीं बनाना है इसमें, क्रॉस के लिए बोला था, आप क्रॉस पेंसिल से क्या कर दोगे, इसे हल्का हल्का क्रॉस कर दोगे, और अगर आप सर्कल भी करना चाहो तो सर्कल भी कर सकते हो इसमें। उसके बाद आप सेकंड नंबर क्वेश्चन है आपका इसका, 2853 0 6, 7 2 8 5 3 6, 7 2 8 5 3 0। सबसे पहले काउंट करेंगे डिजिट, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। उसके बाद आप फर्स्ट डिजिट देखेंगे तो इसमें 2, इसमें 7, इसमें 7, ये नंबर तो पहले ही हट गया क्योंकि इसका 2 सबसे छोटा डिजिट है, इसलिए हमें लार्जेस्ट नंबर चाहिए ना, तो 7 7। इसके बाद इसमें 7, इसमें 7, इसमें सेकंड डिजिट 2, इसमें भी 2, इसमें थर्ड डिजिट 8, इसमें भी 8, इसमें 5, इसमें भी 5, इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें लास्ट डिजिट 6 है, इसमें 0 है, तो 0 छोटा होता है और 6 बड़ा होता है, तो ये नंबर बड़ा है, इस पे क्रॉस का साइन लगाएंगे। इस तरह से आपको स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर छांटने हैं। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन जो है आपका, वो क्या है आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन में है राइट ग्रेटर देन लेस देन एंड इक्वल का साइन आपको लिखना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 8 3 5 7 2, 6 8 3 6 5 3। इसमें भी आपको वही देखना है, इसमें डिजिट देखें 6 और इसमें भी 6, इसमें फर्स्ट डिजिट 6, इसमें भी 6, इसमें 8, इसमें सेकंड डिजिट 8, इसमें थर्ड डिजिट 3, इसमें भी 3, इसमें फोर्थ डिजिट 5 है और इसमें क्या है 6 है, तो ये वाला नंबर क्या है, ये वाला नंबर छोटा है, तो इसमें लेस देन का साइन लिखेंगे। इसके बाद है सेकंड नंबर क्वेश्चन इसका 3 8 3 4 6 2, 5 8 8 4 6 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आप देखेंगे फर्स्ट डिजिट 3, इसमें 5, तो ये वाला नंबर बड़ा है और ये क्या है छोटा नंबर है, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा लेस देन का साइन आ जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे इसमें और भी क्वेश्चन है जो आपको खुद ही करने हैं, और ग्रेट स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर या लेस देन ग्रेटर देन, ये सेम सेम ही चीज़ें हैं, एक ही मेथड से होती है, इसी के मेथड से आपके क्या हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर। अब क्या है आपका इसका फोर नंबर क्वेश्चन क्या है, असेंडिंग ऑर्डर, सॉरी फर्स्ट क्या है आपका डिसेंडिंग, फोर्थ वाले में क्या पूछा गया है डिसेंडिंग ऑर्डर, आप हमेशा ध्यान से देखें क्वेश्चन को, डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे क्या दे रखा है, अरेंज द फ्लोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर, आपको सबसे डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या है सबसे बड़ा सबसे पहले लिखा जाएगा। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है 9 8 3 1 7 4 8 7 1 3 4 8 9 8 4 5 6 2 3 6 2 4 5, ठीक है, इसमें इस तरह से आपको लिखना है। उसके बाद आप देखेंगे इसमें कि पहले डिजिट काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, तो ये सबसे छोटा नंबर हो गया। अब इसमें देखेंगे फर्स्ट डिजिट तो 1 9 8 9, इन दोनों को कंपेयर करेंगे, अब इसमें फर्स्ट डिजिट क्या है 9, इसमें भी 9, इसमें सेकंड डिजिट 8, इसमें भी 8, इसमें 3, इसमें 4, तो फर्स्ट नंबर इस पे लगेगा, सेकंड नंबर इस पे लगेगा, थर्ड नंबर, इसमें 8 डिजिट थी ना, फर्स्ट डिजिट 8 थी, तो ये इन दोनों से छोटा था तो थर्ड इस पे लगेगा। इनमें नंबर ऑफ डिजिट में भी कमी थी ना, ये 5, ये 6 डिजिट के थे, ये 5 डिजिट का था, तो जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम होती है वो नंबर क्या आता है हमेशा छोटा होता है। तो इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, तो 9 8 4 5 6 2, 9,84,562, उसके बाद 9,83,174, फिर 8,71,348, फिर
फिर 36,245, इसमें लैक था, इसमें ओनली 1,000 में ही डिजिट है। उसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका इसी का, इसमें सेकंड नंबर देखिए आप, सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 1593714 8 2, 1593714 8 2 कोमा 1883571 कोमा 1462 61 कोमा 1994125। आप इसमें नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6, इसमें ओनली 6 ही है, 8 8 के थे ना ये बाकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये सबसे छोटा होगा। अब ये सारे क्या हैं, 8 8 वाले हैं, इसमें फर्स्ट डिजिट 1, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 5, इसमें 8, इसमें 9, तो सबसे बड़ा ये नंबर, फिर 8 और फिर 5 और फिर लास्ट में नंबर ऑफ डिजिट इसमें कम ही है, तो ये क्या हो जाएगा, लास्ट नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर देखना है। तो अब क्या होगा, 1993415, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1,99,34,125 कोमा, सेकंड क्या हो जाएगा आपका 1,88,35,721, फिर 1,59,37,482, उसके बाद क्या है आपका 1,46,261, इनमें करोड़ करोड़ है, इसमें ओनली क्या है, लैक से स्टार्ट है। तो इस तरह से ये नंबर छोटा है आपका सबसे, और डिसेंडिंग ऑर्डर पूछा है, इसलिए इस तरह से आप सबसे बड़े को पहले लिखोगे, सबसे छोटे वाले को सबसे लास्ट में। उसके बाद फाइव नंबर क्वेश्चन है आपका, इसके टू मैंने बता दिए हैं, टू आप खुद करोगे। अब इसका फाइव नंबर क्वेश्चन है आपका असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है आपका, असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा सबसे पहले लिखा जाता है, उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है आपका असेंडिंग ऑर्डर का, इसमें क्या पूछा है आपको, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट है आपको 9,9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 9,
थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव, ठीक है, तो फाइव है तो इसमें फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फाइव फाइव डिजिट इसमें से सबसे छोटा ही हो गया। उसके बाद सभी क्या है, सिक्स सिक्स डिजिट के नंबर हैं, तो इसमें नाइन, इसमें नाइन, इसमें नाइन, इसमें नाइन, सब में नाइन नाइन आ रहा है। उसके बाद आप सेकंड डिजिट देखोगे तो नाइन 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 और जीरो, तो ये सेकंड नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद में इन तीनों को कंपेयर करेंगे, इसको इसको और इसको, इसमें थर्ड डिजिट नाइन, इसमें थर्ड डिजिट थ्री और इसमें नाइन, तो ये थ्री नंबर पे आ जाएगा। अब इसमें फोर डिजिट, फोर्थ नंबर डिजिट जो है नाइन है, इसमें फोर्थ डिजिट नंबर क्या है, जीरो है, तो ये फोर नंबर पर, ये लास्ट फाइव नंबर पे आ जाएगा। इस तरह से आपको लिखना है। इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है, नाइन 99,999 कोमा 9,09,909 कोमा, उसके बाद है आपका 9,93,999 कोमा, फिर है आपका 9,99,044 कोमा,
9,99,999। उसके बाद आपका इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन 312930 कोमा 7734 12 कोमा 9780 17 कोमा 9323 47 कोमा 3211 20। अब नंबर ऑफ डिजिट देखेंगे 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 सिक्स सिक्स डिजिट के सारे नंबर हैं। इसमें फर्स्ट डिजिट 3, इसमें 7, इसमें 9, इसमें 9, इसमें 3। तो दो नंबरों में क्या है, 3 3 है, तो सेकंड डिजिट 1 और इसमें 2, तो सबसे छोटा नंबर ये हो जाएगा। उसके बाद ये, उसके बाद 7, 7 वाला क्या हो जाएगा थर्ड नंबर पे। अब इन दोनों में 9 9 है, तो इसमें फर्स्ट डिजिट 9, इसमें 9, इसमें सेकंड डिजिट 7, इसमें 3, तो ये 4 नंबर पर, ये लास्ट 5 नंबर पे हो जाएगा। अब आप इसे लिखेंगे 312930, तो ये क्या हो जाएगा 312930। फिर क्या है आपका 932347। फिर क्या है आपके, सॉरी ये नहीं, 3321120। फिर ये थर्ड नंबर पे है 7,73,412। और फिर लास्ट ये क्या है 9,32,347। और लास्ट क्या है आपका 9,78,017। तो इसमें तो 3 लाख है इन दोनों में, तो फिर 7 लाख, फिर 9 9 लाख के नंबर आएंगे। इस तरह से ये क्या हो गई आपके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। 5 नंबर असेंडिंग ऑर्डर में भी आपके क्या है 4 क्वेश्चन है, उसमें से मैं 2 मैंने करवा दिए हैं, 2 आपको करने हैं। इसलिए आप सभी बच्चों को क्या है, आपको सभी बच्चों को इसमें बुक परचेज कर लेनी चाहिए और आपको इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन करने चाहिए। इसके बाद मैं इसका जो चार्ट है वो बता देती हूँ इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो वंस, टेंस एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, 100,000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore और 10 crore। ठीक है, ये क्या है आपका इंडियन सिस्टम, ठीक है। और फिर क्या है इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000। फिर उसके बाद मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन। ये किसके अकॉर्डिंग है आपका इंटरनेशनल, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है। उसके बाद आपका है रोमन नंबर, रोमन नंबर फर्स्ट सेकंड इस तरह लिखोगे, थर्ड इस तरह लिखोगे, फोर्थ और फिफ्थ इस तरह से। फिफ्थ के आगे 1 लगा के, 2 लगा के, 3 लगा के 8 तक बना लोगे। फिर 9 नंबर इस तरह से बनता है, फिर 10 इस तरह से, 10 के बाद आपके 50। फिर उसके बाद एक नियम रूल बताया था मैंने, एल सी डी मेरे पास, तो एल का मतलब कितना हो गया 50, सी का मतलब 100, डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। इस तरह से आप क्या है कोई भी रोमन नंबर बना सकते हो। तो ये मैंने जो थोड़ा सा आपके सार था, जो भी रिकैप था वो बता दिया है कि किस तरह से आपने क्या लर्न किया था अभी तक, वो बता दिया मैंने इम्पोर्टेंट। तो उसके अकॉर्डिंग आप ये थर्ड एक्सरसाइज काफ़ी अच्छे से कर पाओगे और मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको। थैंक यू।